वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं फायर टेंडर पीटीओ के बारे में कि अपना जो केबिन से फायर टेंडर पीटीओ जो ऑपरेट होता है उसका क्या फंडामेंटल होता है, उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, अंदर केबिन के अंदर का जो है वो मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप जान पाओगे कि आगे से हम लोग पीटीओ जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से इसका प्रोसेस है। तो चलिए आइए अंदर, आपको हम बताते हैं पीटीओ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फायर टेंडर है और फायर टेंडर के अंदर का जो केबिन है वो आप देख पा रहे हैं और पीटीओ का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग क्यों लगाते हैं, उसका क्या होता है कि पीटीओ जो चालू करिए इसलिए लगाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी मान लो फायर फाइटिंग, हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं, फायर फाइटिंग करने के लिए हमारा पीटीओ जो है वो जरूरी होता है ताकि हमारा जो पावर है, इंजन का जो पावर है वो हमारे पीछे जो गाड़ी में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है उसको मिलता है, जिसमें हम अपना उसको ऑपरेटिंग प्रोसेस में लेते हैं। जैसे अगर गाड़ी को पानी सक्शन करना है या डिलीवरी देनी है तो उस कंडीशन में, तो अंदर का सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जब हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं अभी ये जो फायर टेंडर है वो आप न्यूट्रल मोड में आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेस, ये एकदम बिल्कुल न्यूट्रल मोड में है और जब हम लोग पीटीओ का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारा हैंड ब्रेक डाउन होता है। ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक हमारा सबसे पहले जब भी हमारी गाड़ी फिनिशिंग मोड में होती है तो सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक लगाना है। जैसे आप फायर कॉल पे गए वहां पे आपने गाड़ी को जहाँ पे जिस भी लोकेशन में लगाया अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले पीटीओ को आपने को जो है ये लगाना है। उसके बाद आपको ये जो इसमें है बटन पीटीओ में पीटीओ रीट